अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, इस वक्त आपको आगाह करें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा मोहतरमा शमीम अख्तर लंदन में वफात पा गई हैं। उनकी उम्र 90 साल थी। वो काफ़ी अरसे से अलील थी और लंदन में नवाज शरीफ के साथ ही मुकीम थी। मरियम नवाज को पेशावर में जलसा गाँव में दादी के इंतकाल की खबर दे दी गई है। बात करेंगे, उल्फत मुगल हमारे साथ हैं। उल्फत, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की वालदा शमीम अख्तर लंदन में इंतकाल कर गई हैं और कुछ देर पहले उनका इंतकाल हुआ है। वो काफ़ी अरसे से अलील, वो पाकिस्तान में भी थी तो वो चल नहीं सकती थी, व्हील चेयर पर सफर कर चलती थी। और इसके अलावा जितनी देर मियां नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में कैद रहे, वो अपने बेटे से मुलाकात के लिए आरपेशी पर जाती थी। जब मियां नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन गए अदालती हुक्म पर, तो उसके बाद शमीम बेगम जो है वो भी अपने बेटे की आयादत के लिए लंदन गई और फिर वापस नहीं आई। वहीं पर उनके अपने मियां नवाज शरीफ के पास ही मुकीम रही और वहीं पर उनका इलाज हो रहा था, जहां आज उनका इंतकाल हो गया है। इस उनके इंतकाल की इत्तला जो है वो मरियम नवाज को पेशावर जलसे में दे दी गई और इस बात का भारतीय ज़राए का कहना है कि कुछ देर बाद मरियम नवाज जो है वो हंगामी तौर पर लाहौर के लिए रवाना होंगी। अच्छा, और उस वक्त शहबाज शरीफ भी जेल में है, हमजा शहबाज भी, तो उन तक भी खबर पहुंचा दी गई है? जी बिल्कुल, इस बात की इत्तला मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को भी दे दी गई है और अब जो पेरोल के लिए जो कानूनी चाराजुई है वो की जाएगी और इस बात का इम्कान है कि आज रात को किसी वक्त भी या फिर कल सुबह में मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेरोल पर रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि आज छुट्टी का